यदि आपकी ड्यूटी लग रही है बोर्ड परीक्षा में, तो थोड़ा सा हल्के में मत लीजिए। अगर हल्के में लेंगे तो आपका निलंबन हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी एक आदेश आया हुआ आजमगढ़ के DIS ने कर दिया है, एक शिक्षक को निलंबित करने का आदेश दे दिया है DSC साहब को कि भैया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरा मैटर क्या है कि 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी वाला, तो वहाँ मॉनिटरिंग जिले स्तर से भी, कई स्तर से होती रहती है, तो जिले स्तर से भी हुई। तो वहाँ पे देखा गया कि एक क्लास से बच्चे बातें कर रहे हैं और नकल कर रहे हैं। वो जो कक्ष है उस कक्ष के बगल में ही, वहाँ पे वो जो सेंटर होता है स्ट्रांग रूम और ये मॉनिटरिंग सेंटर होता है, वहाँ से। तो ये अगर आप बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहे हो तो सावधान रहिएगा, आपके खिलाफ निलंबन भी हो सकता है। देखिए एक शिक्षक जो है निलंबित हो गए हैं, मामला कहाँ कहाँ देखते हैं। तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इस चीज़ को, हल्के में लेंगे तो आप भी हल्के हो ही जाएंगे। तो ये 22 दिन की अभी एक ही बोर्ड परीक्षा हुई है, बड़ा पेपर मतलब हिंदी का, तो वो ये 22/2/2024 को हाई स्कूल की हिंदी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ऑनलाइन मॉनिटरिंग में पाया गया कि विद्यालय कोड 1023 में श्री सिद्धेश्वरी जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठारी आजमगढ़ के कक्ष संख्या 3 में परीक्षार्थी शांतिपूर्वक परीक्षा देते हुए नहीं पाए गए। परीक्षार्थी आपस में वार्ता करते लिख रहे थे। इस कक्ष से कक्ष निरीक्षक का कार्य श्री अशोक कुमार यादव सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुरहन प्रथम मार्टिनगंज आजमगढ़ कर रहे थे। कक्ष निरीक्षक अपने कार्य दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करते हुए नहीं पाए गए। परीक्षा केंद्र मात्र 7 कक्षों में परीक्षाएं संचालित हैं, उनमें से कक्ष संख्या केंद्र व्यवस्थापक कक्ष के बगल कक्ष है। फिर भी केंद्र व्यवस्थापक सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा संचालित करने में असफल रहे। केंद्र व्यवस्थापक का परीक्षा केंद्र पर नियंत्रण नहीं पाया गया। परीक्षा में लापरवाही बरतने के कारण श्री अवनीश कुमार यादव को केंद्राध्यक्ष के पद से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री जयप्रकाश बिंद को सहायक अध्यापक को केंद्राध्यक्ष नामित किया जाता है, तथा श्री अवनीश कुमार यादव प्रभारी प्रधानाध्यापक और केंद्राध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित विद्यालय के प्रबंधक श्री अशोक कुमार यादव कक्ष निरीक्षक सहायक अध्यापक विद्यालय सुरहन प्रथम मार्टिनगंज आजमगढ़ के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही किए जाने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को दिया जाता है। नीचे पे साइन है वहाँ के DIS का, ठीक है।